आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे हम। आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बहुत हद तक सेटिस्फाई करते हैं। देखिएगा, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे पास एटम है ए, ये गैस भी है, सही है, गैसेस एटम है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब इसका किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो आइसो, तो ये आइसोलेटेड एटम हमारे पास जो आ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये क्या बनाएगा, ए प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो ऐसे ही थोड़ी ना निकाल देगा, इसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को, ये एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ेगी आपको, वेव की फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोन या हीटिंग, कैसे भी करके दे दो आप एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो एनर्जी आपके लिए कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? या फिर आप एक काम करो, इसको इतना ज्यादा वोल्टेज लगाओ अपोजिट डायरेक्शन में कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। सपोज यहां एनर्जी देनी पड़ी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना वोल्टेज लगाओगे, 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो बोल दोगे आयनाइजेशन एनर्जी, और वो जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा रहे हो वो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, सेम, इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा काम वही है। तो हम तो एनर्जी की बात करते हैं ज्यादातर। समझ में आ रहा है? एनर्जी की बात करेंगे या पोटेंशियल की बात करेंगे, मीनिंग एक ही निकालेगा आएगा, लेकिन बोलेंगे गैस के लिए। तो बात करते हैं मेटल्स को, इतना आइस गरम करो, इतना गरम करो कि उसके सारे एटम अलग हो जाए, पहले उसको गैस फॉर्म में लाओ। मेटल मेटल ही होता है, लेकिन मेटल को सॉलिड, सॉलिड में भी रख सकते हैं, गैस में भी रख सकते हैं। क्या गैस में आता है तो मेटल नहीं बोलते, बोलते ही है ना, मरकरी एचजी लीटर लिक्विड में, तो क्या उसको मेटल नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, स्टेट अलग चीज है, उनका नेचर अलग है, वो अलग बात है। अभी डेफिनेशंस क्या है उस पर नहीं जाए, अभी तो हमारे पास ये कि ये सभी एलिमेंट के लिए यही डेफिनेशन है। तो डेफिनेशंस पे आ जाओ वापस। तो डेफिनेशंस क्या बनेगी, इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आप देखिए, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है? जैसे मैंने चाहिए कि आपके पास की पॉइंट क्या है, जिंक से जेडन प्लस बनाया, जेडन प्लस टू, क्या यहां पर ये फर्स्ट आयनाइजेशन है, ये सेकंड कहलाएगी, हाँ। क्या ये सेकंड को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक प्लस बोल सकते हैं? हाँ, यस और नो, बोल सकते हैं। दूसरा, फर्स्ट से हमेशा सेकंड ज्यादा होगी, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और ऐसे करते हुए जिंक के लिए थर्ड सबसे ज्यादा क्या होगी, 30। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, कम तो होने से रहा, तो आप आराम से बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिंक से जेडन प्लस की हमेशा ज्यादा होगी। और एनायन के केस में जैसे जैसे निगेटिव चार्ज होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन दो अलग एलिमेंट में, जैसे एक्स और वाई,
क्या चार्ज है मुझे नहीं मालूम, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। हो सकता है वाई पे प्लस हो और एक्स पे माइनस हो, कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, कोई भी ज्यादा हो सकता है, ये और भी बहुत फैक्टर पे करता है डिपेंड। तो वी कांट प्रेडिक्ट विदाउट अदर इंफॉर्मेशन। इधर देख लीजिए, एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस 100% बोल सकते हैं, लेकिन क्या एक्स माइनस और वाई प्लस में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, जब तक ये एलिमेंट नहीं दिया जाए। अगर एलिमेंट दिया जाएगा तो क्या फैक्टर है जिससे हमें आंसर देना है, वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कि हम ये चाहते हैं, हम इस पे कमेंट करना चाहते हैं, इन पे तो हमने कर लिया, इनके लिए हमें थ्योरी नहीं चाहिए। हमें थ्योरी किसके लिए चाहिए? टू डिफरेंट एटम के लिए। जेड इफेक्टिव, लेकिन इनके लिए थोड़ी ना मालूम है जेड इफेक्टिव कौन से ग्रुप के हैं। ये हो सकता है सेम ग्रुप के ही नहीं हो, तो फिर हाँ बस फिर उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि कहाँ है पोजीशन चाहिए, हम सिर्फ एक्स और वाई से नहीं पोजीशन देखेंगे, तो वह सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के आपने सही कहा, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफाइन किए जा सकते हैं, ऑर्डर डिफाइन किए जा सकते हैं। तो हम वापिस आ रहे हैं, हेडिंग हमारा रहेगा फैक्टर, हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल एक तरह से बहुत सारे फैक्टर में आता है। सबसे पहले जेड इफेक्टिव एंड साइज को देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव, आप ही बताइए, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना आउटर शेल में से उतना ही मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी या नहीं होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ साइज, इफेक्ट ऑफ साइज, साइज को देख लीजिए, अगर आप साइज के साथ कर रहे हैं तो जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा अब साइज कहां डोमिनेट करता है ग्रुप में, जित ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास इस जगह जितने भी एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यहां कम होंगे आयनाइजेशन एनर्जी और नीचे आने पे और कम हो जाएंगे, तो सबसे कम किसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा? सीजियम का। तो इन दोनों को एक साथ अगर हम मिला दिया जाए रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, तो देखिए यहां जाने पर इंक्रीज हो रहा है और यहां जाने पर डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? सीजियम की। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम, of cesium is minimum। आप कहेंगे सर cesium के नीचे francium है, उसकी और कम होनी चाहिए, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, तो हमारे लिए ये हो जाएगा। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो बहुत ज्यादा आसानी से क्या करेंगे,
पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे, और जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो हमारे लिए मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन होगा? एलिमेंट इज सीजियम। तो हमारे लिए मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, जल्दी से बोलो, सीजियम। मेटल में मेटल ही होंगे, नॉन मेटल तो वैसे भी नहीं होंगे। थर्ड, तो ये जो हमारे पास है कौन, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम आर यूज्ड इन, आर यूज इन किसके अंदर यूज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक, यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इनको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोले में यूज करते हैं। आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो हमारे आजकल घरों के ऊपर लगा देते हैं ना अपन, सोलर पैनल, वो है। उससे क्या है, एनर्जी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो फोर्थ पॉइंट इसका मतलब क्या है, ये पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एलिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एलिमेंट। हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहेंगे, बोलो कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अल्कली मेटल की होगी कम हमेशा, अल्कलाइन की ज्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे आने पे तो कम होती है, नीचे से आगे जाने पे बढ़ती है। यहां बहुत तेजी से बढ़ती है और यहां बहुत तेजी से कम होती है। लिखे इसको, अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, ठीक है, और इधर से ले लिया मैंने, इन सबके आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करो। तो ध्यान से सुनना, एल्कली मेटल ऊपर हो या नीचे हो, होंगे हमेशा एल्कलाइन से कम ही। तो सबसे पहले आएगा, सबसे कम होगा रूबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, फिर उसके बाद बेटा मांगे कन्या, तो सी ए एम जी बी ई। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, शो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप बहुत प्यार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, की पॉइंट, एल्कली अर्थ मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल से हमेशा कम होगी, लिख लीजिए, द आयनाइजेशन एनर्जी, यहां पर द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल इज लेस देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। सही है, तो ये आपके लिए आईक्यू लेवल यहां पर हो गया, कर सकते हैं आप। क्या यहां पर कुछ एक्सेप्शन बनेंगे? हाँ, किस तरह से बनेंगे, यहां एक्सेप्शन बन रहा है। सबसे पहले हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल इफेक्ट, तो अगला रहेगा इफेक्ट ऑफ हाफ फिल एंड फुलफिल
Electronic configuration. Electronic configuration. Half fill and full fill electronic configurations. Third number का effect है. मैं इसको ऐसे देखता हूँ. सबसे पहले चालू करता हूँ lithium, beryllium, boron में और carbon में. सही है. बेरेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2. तो एक तरह से फुलफिल एस सबशेल हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा. सो रिक्वायर्ड एनर्जी is more than required energy for ionizations. For ionizations is more than expected. तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेरिलियम अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन एक आगे तक ही जा पाएगा. ये नहीं कि बहुत आगे तक जंप मार जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड से. तो एक्सेप्शन जब भी बनता है तो एक कदम आगे बढ़ता है, दो कदम आगे नहीं बढ़ रहा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे कम, फिर आनी चाहिए थी बेरिलियम की, लेकिन कौन आ जाएगा? बोरोन. और फिर कौन आ जाएगा? कार्बन. वो बेरिलियम फिर कार्बन, ये इस तरफ चला जाएगा. लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बेरिलियम एक्सेप्शन है या बोरोन एक्सेप्शन है? बेरिलियम है, उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, बोरोन तो अपनी जगह रखेगा. समझ में आई बात? दूसरा एक्सेप्शन, तो क्या ये बेरिलियम ही रहेगा या थ्रू आउट ऐसे ही चलेंगे? हाँ, थ्रू आउट चलेंगे बेटा. यानी जो काम बेरिलियम ने किया है वो काम मैग्नीशियम भी करेगा. अनदर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल आप कैसे लोगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. मैग्नीशियम को यहां भेज दो. लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन. अदर एग्जाम्पल ये हो गया केस फर्स्ट. केस सेकंड, हम बात कर रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. समझ में आ रहा है? तो यहां हमारे पास क्या हो रहा है? कार्बन, नाइट्रोजन, बस यही हमारे पास हो गया. नाइट्रोजन में क्या है? हाफ फिल पी सबशेल है. ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन और नियोन. फुल फिल है, तो हाफ फिल कहां पर है? यहां पर है. तो ये नाइट्रोजन जंप मार जाएगा, किस तरफ आ जाएगा? एक कदम आगे. तो क्यों आ रहा है? ड्यू टू हाफ फिल. हाफ फिल पी सबशेल. आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन एक्सपेक्टेड. तो सही ऑर्डर क्या होगा? कार्बन सबसे कम होना चाहिए था, हेवी, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए था, ऑक्सीजन आ गया, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन. नियोन तो वैसे भी ज्यादा होना चाहिए था और ज्यादा ही है. तो एक्सेप्शन क्या हो रहा है? बस एक्सेप्शन ये कि ये ज्यादा होना चाहिए था नियोन में, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया ड्यू टू फुलफिल दिस. तो ये एक्सेप्शन नहीं बन रहा है.
बस उम्मीद से जा, लेकिन देखा जाए तो उम्मीद से ज्यादा होना भी एक्सेप्शन है, उस हिसाब से एक्सेप्शन है। इसका कोई और एग्जाम्पल बन सकता है? बोलो हाँ बनेगा। सेम आपको क्या करना है, कार्बन की जगह क्या लेना है, सिलिकॉन। अदर एग्जाम्पल सीधा सीधा है, कौन सा लेने चाहते हो, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहां दो एक्सेप्शन दिखेंगे आपको, आंसर क्या होगा इसका, सिलिकॉन सबसे कम, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा कम आर्गन। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके लिए एक तरह से एक्सेप्शन ही हो गया, ये क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद बहुत कम है आर्गन। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बहुत ज्यादा कम होना या आर्गन का बहुत ज्यादा होना ये भी तो एक्सेप्शन ही है। ये तो मैं अभी वो देख रहा हूं जो एक पीरियड के अंदर दिखाई दे रहे एक्सेप्शंस, ग्रुप में बात ही नहीं कर रहा मैं। तो ये दोनों एक्सेप्शंस अगर आप एक साथ मिला के रखना चाहते हो तो पूरे पीरियड में कैसे शो करोगे, करें अपन कंप्लीट पीरियड में अगर बात करें तो इस तरह से लिख सकते हो आप। सबसे कम कौन होगा, लिथियम, यस लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन होना चाहिए था लेकिन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और फिर बहुत ज्यादा आगे नियोन। समझ में आ गया? दूसरा सोडियम, मैग्नीशियम होना चाहिए था लेकिन मैग्नीशियम नहीं आएगा, सोडियम, एल्यूमिनियम पहले आएगा, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, और फिर आर्गन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आपको कहां दिखने को मिलता है, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो होना क्या चाहिए था, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब ये ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जेड इफेक्टिव बिकम हाई। एंड आयनाइजेशन एनर्जी बिकम हाई। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और जब हम यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ले लेंगे तो देखिएगा, अब बात करते हैं अपन डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहां पर है, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। हम बात करेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की अप्रोक्सीमेट क्या है, सेम है, थेलियम की भी अप्रोक्सीमेट सेम है ड्यू टू एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां दोनों की पीछे सेम होने के पीछे क्या है, गैलियम एक्सेप्शन है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस। और यहां पर थेलियम एक्सेप्शन बन रहा है ड्यू टू एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन।
थोड़ी और एग्जांपल देखते हैं अपन, एब ब्लॉक कंट्रेक्शन का इफेक्ट वहां पर भी दिखेगा आपको, कहां पर? जर्कोनियम हैफनियम में भी देखा जाए तो हमारे पास ये 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D है, और फिर ये 6D है, और फिर 7D भी आता है। सेवनडी आता है क्या? नहीं आता ना, तो फिर क्यों बनवा रहे हो मेरे से? 6D तक ही चल पा रहा है अभी तक। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन कहाँ मिले, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा डी में, कहाँ मिलेगा? 4D 5D के बीच में या 5D 6D के बीच में? 4D 5D के बीच में। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर 5D के पहले कौन भरा जाता है? 4F। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा? 3D सबसे ज्यादा, और 4D और 5D की लगभग लगभग क्या होगी? बराबर। तो यही कारण है कि बराबर रह रही है, तो इसका मतलब कौन एक्सेप्शन है? 5D ड्यू टू एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। ड्यू टू एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन कर सकते हो? अच्छे से समझ में आ गया? अब क्लियर है? तो 3D 4D और 5D की अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी? 4D और 5D के सेम, ड्यू टू एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। आया या नहीं आया समझ में? बस यही आपके पास है। तो लॉक करें इसको। तो इससे मेरे को क्या लिखने का है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्कोनियम एंड हैफनियम अप्रोक्सीमेट आर सेम। आ रहे थे जो कि एक एटम पे डिफाइन हो रहा था, अब हम बात कर रहे हैं एक मोल पे, लेकिन नया कंसेप्ट बन जाएगा। और नया कंसेप्ट क्या बनेगा? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो हमारे लिए रहेगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन, एंथैल्पी हमेशा, जब भी एंथैल्पी वर्ड आ रहा है तो वो 1 मोल पे आएगा, ठीक है? एंथैल्पी कंसेप्ट हमने डिजाइन ही इस तरह से किया है कि हम हर चीज मोल पे बात करें, पूरी रिएक्शन हर चीज मोल पे आने लग गई थी। तो इस तरह से हम यहां पर बोलेंगे इट शो द ट्रांजिशन ऑफ हीट व्हेन 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम कन्वर्ट इन आयंस। पॉजिटिव आयंस लिखो ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव आयंस। By liberating one mole electrons, यानी हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है x, उसको x प्लस में करेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये वन मोल होगा, तो जो भी हीट ट्रांजिशन होगी वो हमारे लिए डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। लेकिन ये बात तय है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को तोड़ के निकालना है, बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ेगी, लेने का कोई सवाल नहीं है। तो डेल्टा एच के बारे में ये बोल सकता हूं, पहला चीज, डेल्टा एच
is always 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 पॉजिटिव वैल्यू. सेकेंड, अगर हम जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, रिलेशंस बिटवीन, हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें एंड डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, आप बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा. आयनाइजेशन एनर्जी आती है एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हमें एक मोल पर डिफाइन करनी है. तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है. तो डेल्टा एच आई ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में चेंज करना है. तो आयनाइजेशन एनर्जी ही रहेगा लेकिन उसको एक फैक्टर आ जाएगा 96.6 जो उसको सीधा किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर देगा. इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आयनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा एच आई का ऑर्डर सेम रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा. बस एक ही फैक्टर है 96.6, वो तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी डेल्टा एच ईजी कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10. इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, फाइंड डेल्टा एच आई ई. अब एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे, डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे होती है इसकी डेफिनेशन. क्या होगा इसका आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 96.6 समथिंग. तो मैं इसको 96 भी कहता हूं तो कितना हो जाएगा, 6 दो 12 13 और 193 किलो जूल पर मोल में आएगी, यूनिट भी चेंज हो जाएगी. बोलो क्लियर है? एक और पॉइंट, मेरे पास यहां पर दिया हुआ है हीलियम, हीलियम प्लस, हीलियम प्लस 2, ये एक्स है, ये 2x है. तो बताओ ये एनर्जी क्या होगी, 3x. अगर ये इससे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, मैंने पहले ही बोला है कि हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली फर्स्ट से ज्यादा होती है. तो हमें क्या दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में, इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, इफ रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज 1:2, then find delta H of following reactions, और following reaction क्या है हमारे पास, हीलियम से हीलियम प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहां जो डेल्टा एच है वो आपको निकालना है. कैसे निकालें करिए, हीलियम प्लस से हीलियम प्लस 2,
हम जानते हैं हीलियम प्लस से हीलियम प्लस टू, क्या हम बोर मॉडल लगा सकते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो बताओ ये कितनी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर कितनी है आप जानते हो? कितनी है इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी? हाइड्रोजन के लिए होती है 13.6, इसके लिए हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 4 हो गया, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम प्लस है यहां पर। कोई दिक्कत आ रही है समझने में? तो ये तो इसके लिए हुआ, इसके लिए डेल्टा एच कितना हो जाएगा? डेल्टा एच हीलियम प्लस से हीलियम प्लस टू के लिए कितना हो जाएगा? 54.4, 96.6। तो अब इसको तरीके से कर लो ना, हीलियम से हीलियम प्लस और हीलियम प्लस से हीलियम प्लस टू, ये आपके पास है 54.4 मल्टीप्लाई बाय 96.6, ये आपके पास रहेगा 54.4 मल्टीप्लाई बाय 96.6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1:2 दिया हुआ है। तो बताइए ये एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां से यहां? डेल्टा एच 3 कितनी हो जाएगी? डेल्टा एच 1 और डेल्टा एच 2 का समेशन होगी या नहीं होगी? होगी। तो डेल्टा एच 1 और डेल्टा एच 2 का समेशन करोगे तो मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूं, 54.4 मल्टीप्लाई बाय 96.6 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई 1/2, और 1 कितना हुआ? 3/2 किलो जूल पर मोल। तो इतना सही तो करना था हमें, कर सकते थे, बस आईक्यू कहां लगाना था हमारे को कि यार हमें ये नहीं आइडिया लग रहा था कि कैसे करें स्टार्ट, एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये वाली एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, तो ऐसे भी तो बना सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। लिथियम, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस 2, लिथियम प्लस 3, ये मैंने मैं यहां दूंगा एक्स, ये इनर्ट गैस आ जाएगा, बोलो यस और नो। तो मैं इसको दूंगा 10x और इसको दे दिया मैंने 11x, कुछ इस तरह का ऑर्डर दूंगा, क्योंकि अचानक बढ़ेगी नहीं, बहुत बढ़ेगी। तो इसको x मानोगे तो इसको 10x तो मानो कम से कम, और फिर इसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो कितना हुआ 11x। तो ये एग्जाम्पल है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डेल्टा एच लिथियम टू लिथियम प्लस 3, कैसे करोगे? कर सकते हो आप, एक ही चीज करोगे सॉल्यूशन में, इलेवन एक्स की वैल्यू कितनी है, या आप डायरेक्ट ही कर सकते हो डेल्टा एच लिथियम प्लस 2 से लिथियम प्लस 3 बनने की वैल्यू, यही वैल्यू आपको मालूम है और कोई भी नहीं मालूम आपको, हाँ या ना? और ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 96.6 जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, 96.6 करते ही किलोजूल पर मोल में आ गया, हुआ या नहीं हुआ? तो ये तो हुआ किलोजूल पर मोल। अब डायरेक्ट करना सीखो मेरे साथ, लिथियम से लिथियम प्लस 3, ये किसकी वैल्यू है? 11x, हमें क्या चाहिए था पहले x, टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा x 10x 11x कितना हुआ जल्दी से बोलो? 22x, ये 11x की वैल्यू है। तो इसको 11 से डिवाइड करके 22 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है बात? 11 से डिवाइड करके 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आंसर कितना आएगा? 96.6, ये 96 है।
मल्टीप्लाई बाय 2 किलो जूल पर मोल। करो इसको।